स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो टीपू महाराज की, बोलो टीपू महाराज की। कन्नड़ कंद, कन्नड़ कंद, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ, ಬೋಲೋ ಟಿಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಟಿಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿ, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್। बोलो टीपू महाराज की, बोलो टीपू महाराज की। कन्नड़ कंद, कन्नड़ कंद, कन्नड़ कंद, कन्नड़ कंद, कन्नड़ कंद। बोलो टीपू महाराज की, बोलो टीपू महाराज की, सुल्तान की। सलाम अलैकुम, नमस्ते। आज हजरत टीपू सुल्तान उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम हमारे पूरे लीडर्स आए थे, लीडर्स का आज हमें टीपू सुल्तान चौक में जयंती आचरण करें, असभ्य मिला को आए थे हमें। ये हमारे टीपू सुल्तान देश के वास्ते अपने बच्चों को गिरो रख को देश बचाए, एक क्या मामूली काम नहीं है। ये आज के थोड़ा बीजेपी वाले ये सब मिला 40 वर्ष के अंदर आयस वाले बोलते हैं। टीपू सुल्तान क्या करे, जा कुछ श्रृंगापट्टन में देखो क्या करें उन्होंने का आने का 40 वर्ष में आए हैं, यहाँ को क्या करें कर को। रहे तक ब्रिटिश वाले डरे थे, आज रहे तक बीजेपी के एक चार लीडर डर रहे हैं, बाकी के सब टीपू सुल्तान जयंती करते हैं सब भी मिला। सर कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत रद्द करी थी, क्या कांग्रेस हुकूमत भी डर रही है बीजेपी वालों को? क्या अभी डरती नहीं, जयंती मनाने की आज हमें कर रहे हैं इंशाल्लाह में, और आते बार इसकी ज्यादा करते हैं। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इसके वास्ते हमें हमारे सरकार को बोलते हैं, पूरे हमारे पुस्तका में माना टीपू सुल्तान जयंती, परमिशन देना, रैली करना, ये सब करने के वास्ते हमें सब सभ्य मिल को करते हैं। क्या लोग उम्मीद लगाएंगे अगली बार सरकार की ओर से टीपू सुल्तान मनाया जाएगा? करेंगे इंशाल्लाह, जाको हमें मनवी देखो मिल को, सौ को 100% हमें वोट बात है, हमारी जयंती करने देना कर को। हमारे दोनों उस वाले मिनिस्टर को बोलते हैं, पूरे एमएलए बोलते हैं, सीएम को बोल को हमें इंशाल्लाह करेंगे। सभी देशवासियों को और कर्नाटक के मेरे तमाम भाइयों को मैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 274वां जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए तमाम लोगों को मैं आज आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनकी चौक बीजापुर में यहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और तमाम लोगों ने यहाँ पर शिरकत फरमा कर हमारे बीजापुर के मोतबर शख्सियत यानी के लीडर्स तमाम मौजूद थे, उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान की सीरत और उनका इतिहास बताए थे, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया कि हजरत टीपू सुल्तान ने देश के लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो आए हुए तमाम मेहमान भी और यहाँ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत भी और ये पूरा कार्यक्रम एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से मनाया गया। तो इसके अंदर टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रह के इस जयंती को जैसे हर साल मनाते थे इस साल भी मनाया है, तो हर साल हम मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम लोगों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए टीपू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। इरफान शेख रहमतुल्लाह बरकातहू।
आज शेर मशहूर हजरत टीपू सुल्तान की जयंती आज बीजापुर शहर में बड़े जोर शोर से मनाई गई। मैं पूरे देशवासियों को आज टीपू सुल्तान की जयंती मुबारकबाद देता हूँ। ये वो टीपू सुल्तान है जो देश के लिए अपने जान मिटा दिए, इस देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखे, इस देश के लिए अपने खुद को बगैर किसी नमाज को कजा करते हुए इबादत के साथ हर जंग जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी इतिहास में रद्द बदल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इतिहास को झूठा झूठा बात कर रहे हैं। ये वो इंसान है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों को लेकर वो चलते थे और उतने मंदिर भी बनाए हैं, उतने गुरु भी बनाए हैं, उतने गुरुद्वार भी बनाए हैं और उतनी मस्जिद भी बनाए हैं। वो किसी एक धर्म के टीपू सुल्तान नहीं थे, वो सारे धर्म के टीपू सुल्तान थे। आज उनका जश्न जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज उनका इतिहास अगर हम सीखना है तो ये बीजेपी वालों को जाकर यूरोप में और अमेरिका में जाएं तो उनका इतिहास उनको सीखने के लिए मिलता है। वो समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान क्या ताकत थी। अरे वो टीपू सुल्तान थे जो ब्रिटिश यहाँ पे पांव रखने के लिए डरती थी। वो टीपू सुल्तान थे जो ब्रिटिशों ने अपनी जान को अपने माल को बचने के लिए दूर दूर भाग रहे थे। जब तक उन टीपू सुल्तान नहीं थे तब तक हम नहीं जीत सकते कहने का ये उनको यकीन के साथ वो कहते थे। ऐसे हजरत टीपू सुल्तान के बारे में कुछ लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो नालायक हैं, उनको कुछ इतिहास के बारे में मालूम नहीं, उनके माँ बाप का इतिहास उनको मालूम नहीं तो टीपू सुल्तान का इतिहास क्या मालूम होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम बीजापुर शहर में टीपू सुल्तान के इतिहास के बारे में जो सही है वो बुक प्रिंट करेंगे, हर घर घर को उसका हमें बांटेंगे। नौजवान लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप टीपू सुल्तान की इतिहास को पढ़ें और जिंदा रखें। और टीपू सुल्तान का जो कयामत तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये जितना भी बमड़ा मरने दो और कुछ मतलब नहीं होता। मैं टीपू सुल्तान रहेंगे कयामत तक रहेंगे। उनका जो इबादत और जो जंग करने का अंदाज ही कुछ और था। आज वैसे लोगों का टीपू सुल्तान, उनके पूरे नौजवान जो लड़के हैं, नौजवान जो हैं, वो जिस तरह से टीपू सुल्तान शेर मशहूर कला, उसी तरह से आपसे भी अपने मन में टीपू सुल्तान का जज्बा रखे, आप भी अपने अपने तरीके के से मशहूर बने और शेर बने। मैं कहता हूँ और एक बार आप सब लोगों को टीपू सुल्तान जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय कर बोलो टीपू सुल्तान की, बोलो टीपू महाराज की, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो टीपू सुल्तान की, बोलो टीपू महाराज की। इसे बैठा था, उठ के गए, आवाज जोर चोर, बोलो टीपू सुल्तान की, बोलो टीपू महाराज की, जिंदाबाद जिंदाबाद। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.